दोस्तों, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रंची पोटैटो चिप्स। चार बड़े साइज के आलू लेंगे। हमने पानी ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से धो लेंगे। आलू को धो लिया हमने, अब इसे पील करेंगे। में पानी ऐड करेंगे और थोड़ी सी फिटकरी ऐड करेंगे। फिटकरी इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे चिप्स सफेद हो। फिटकरी ऐड हो चुकी है। पोटैटो को हम दो तीन बार साफ पानी से धो लेंगे। अब इसे कपड़े की सहायता से अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। पानी रहेगा तो तलने में बहुत टाइम लगता है। ये चिप्स कटर है, चिप्स कटर की हेल्प से हम चिप्स कट करेंगे। चिप्स पतले पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। चिप्स हमारे पील हो चुके हैं, इतना पतले चाहिए। देखिए साइड से सब आलू पील हो चुके हैं। ये देखिए, एक बाउल लिया हमने, इसमें मखमल का कपड़ा बिछा देंगे। आपके पास टॉवल या कोई कॉटन कपड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें सब जो हमने पील किए हैं आलू, उसे डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो अपन पील करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी निकलता है। मखमल के कपड़े में हम ढक के रख देते हैं एक मिनट के लिए, फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। तब तक इसका जो पानी है वो सोख लेगा। हमने कढ़ाई रख दी है हाई फ्लेम पे, इसमें तेल ऐड करेंगे। आलू को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, और इसकी सहायता से हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि एक दूसरे से चिपके ना। ये देखिए, एक दूसरे के एक भी चिपके नहीं है। आप देख सकते हैं सारे चिप्स खुल चुके हैं। में सॉल्ट डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। आलू चिप्स हमारे देखिए कितने क्रंची बने हैं। आप इसे 5-7-10 दिन के लिए भी कंटेनर में ढक के रख सकते हैं। कि क्रंची पोटैटो चिप्स कैसी बनी हमारे से जरूर शेयर करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।